हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं वरदान सुमन और मैं फिर से हाजिर हूं लेकर एक नया सूटकेस। ये सूटकेस नहीं, ऑब्वियसली ये वाले सूट एंड केसेस, सूट्स एंड केसेस। आज जो हम केस लेकर आए हैं, इसका टाइटल है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस प्रेमलाल। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 219 यानी 219 पर दिया हुआ है और ये जो केस है ये ईएसआई एक्ट से रिलेटेड है। केस में हुआ क्या, केस में हुआ ये कि एक मिठाई की दुकान थी और मिठाई की दुकान में जो हलवाई था वो एलपीजी के इस्तेमाल से बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी मीठी मीठी, बड़ी मजेदार मजेदार मिठाइयां बनाता था। ये बात जब लेबर कमिश्नर को पता लगी, कॉरपोरेशन को पता लगी, ईएसआई कॉरपोरेशन को पता लगी, तो उन्होंने मिठाई के जो दुकान के ओनर थे उनको एक नोटिस इश्यू किया कि आपकी दुकान दुकान नहीं है, फैक्ट्री है, यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो जो एम्प्लॉयर था वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा भाई हमारी तो मिठाई की दुकान है, हम फैक्ट्री कैसे हो सकते हैं। तो उसने इस ऑर्डर को अथॉरिटी के सामने चैलेंज किया और उसने कहा कि साहब हमारी दुकान तो दुकान है, हमारी दुकान तो फैक्ट्री नहीं है, हम तो कोई पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने तो कोई बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं लगा के रखी हुई, तो हमारी दुकान को फैक्ट्री कैसे कहा जा सकता है। अथॉरिटी ने कहा जनाब फैक्ट्री होने के लिए पावर का कंजम्पशन, पावर का इस्तेमाल कोई प्री कंडीशन नहीं है। प्री कंडीशन क्या है कि आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, आपके यहां कम से कम उतने लोग काम कर रहे हैं कि नहीं जितना कि फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप दुकान को दुकान कहिए, मकान कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, हमारी नजर में तो वो फैक्ट्री है। एम्प्लॉयर और कंफ्यूज हो गया, एम्प्लॉयर अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने भी उसी बात को सही माना जो लोअर अथॉरिटी ने कही थी और हाई कोर्ट ने कहा कि आपके यहां प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यूज ऑफ एलपीजी भी हो रहा है, तो आपकी यूनिट को फैक्ट्री कंसीडर किया जाएगा। इस केस के आने के बाद यह तय हो गया कि अगर किसी जगह पर मिठाई मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस दुकान को भी फैक्ट्री माना जाएगा। उस दुकान में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो ईएसआई एक्ट के बेनिफिट्स के हकदार हैं और एम्प्लॉयर को जो भी ईएसआई कंट्रीब्यूशन करना चाहिए एज पर दी एक्ट वो करना चाहिए ही चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा सूटकेस पसंद आया होगा। आप जरूर पढ़िएगा आईसीएमएआई की किताब में इस केस लॉ को। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।